जब भी भारत ऑस्ट्रेलिया जाता है दौरे के लिए, जब भी टेस्ट क्रिकेट खेलने भारत ऑस्ट्रेलिया जाता है, तब तब हंगामा होना जाहिर सी बात है, यानी हंगामा होता ही होता है। इस बार भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पर्थ टेस्ट मुकाबले के बाद अब एडिलेड टेस्ट मुकाबले यानी पिंक बॉल टेस्ट मुकाबले में हमें कुछ ऐसा ही हंगामा देखने को मिला। आजकल डीएसपी साहब यानी मोहम्मद सिराज थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा गुस्से में आ गए हैं। उनके गुस्से का शिकार कभी मानस लाबुशेन बनते हैं और अब ट्रेविस हेड बने। जो ट्रेविस हेड पूरे भारत के लिए एक सरदर्द हैं, उसी ट्रेविस हेड को मोहम्मद सिराज ने 140 रनों पर आउट करके अपना गुस्सा जाहिर किया। क्या कुछ पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरा टेस्ट मुकाबला एडिलेड में चल रहा था, जब भारत पहली पारी में 180 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आई तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो उनके सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी यानी ट्रेविस हेड है, वो बल्लेबाजी करने के लिए आए। सामने मोहम्मद सिराज थे। मोहम्मद सिराज उनको बार बार आउट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके दो जीवनदान हासिल करके ट्रेविस हेड 140 रनों पर पहुंच गए। अब जब वो 140 रनों पर पहुंचे तो मोहम्मद सिराज ने उनको बोल्ड कर दिया, आउट कर दिया। अब उसके बाद ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज यानी ट्रेविस हेड को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। जब पवेलियन की ओर वो लौट रहे थे तो उन्होंने मोहम्मद सिराज को कुछ अपशब्द बोले अपनी भाषा में, यानी इंग्लिश में कुछ बोलते हुए वो नजर आए। मोहम्मद सिराज की इंग्लिश आप सभी लोग जानते हैं थोड़ी सी वीक है, अब उनको शायद समझ आया नहीं आया, गॉड नोज। बट उसके बाद मोहम्मद सिराज ने उनको बोला चलो निकलो, जो कि इशारे में बहुत एनिमेटेड लग रहे थे मोहम्मद सिराज, और उनके कहने का मतलब यही था कि चलो आप यहां से निकलो, आपका काम हो गया है। तो ट्रेविस हेड को कुछ इस तरीके से डराते हुए, धमकाते हुए और उनको पवेलियन भेजते हुए नजर आए मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने मानस लाबुशेन के साथ भी ऐसा ही किया था, बड़े अग्रेसिव नजर आ रहे थे, एनिमेटेड नजर आ रहे थे। खैर आपको बता दें, पहली पारी में भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट चटकाए और मोहम्मद सिराज का बहुत ही बेहतरीन कमबैक हुआ है। टीम इंडिया थोड़ी सी लड़खड़ाती भी पहली पारी में नजर आई, लेकिन दूसरी पारी में थोड़ा बहुत संभलने की कोशिश टीम इंडिया कर रही है। अब आप कमेंट्स करके बताइए मोहम्मद सिराज का यह अग्रेसिव रूप, मोहम्मद सिराज का यह एनिमेटेड रूप कैसा लगा।